हे गैस बच्चा वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और ये वीडियो इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ द बेसिक्स ऑफ वाल और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मतलब कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी फर्स्ट uh, जैसे आप एंटर करोगे और सोवा के एबिलिटीज uh, वगैरह क्या है तो इस वीडियो में भी मैं वाल रेंट और उसमें थोड़ा हेड जाऊँगा तो पहले मैंने सोवा की दिखाई थी अभी मैं दो तीन और एजेंट्स के दिखाऊंगा एबिलिटीज़ वगैरह क्या है और मैं आपको समझाऊंगा क्रॉसर क्या होता है कैसे सेट करना क्रॉसर कौन सा बेस्ट रहता है कैसे वर्क करता है तो लेट्स गो उठाऊंगा कि क्या कर सकते हो दूसरे एजेंट्स के साथ क्या है उनकी एबिलिटीज़ तो लेट्स गो टू तो प्रैक्टिस ओपन पेंट तो कल सुबह के ये दिखाई आज मैं आपको दिखाऊंगा सबसे ईजिएस्ट कैरेक्टर सेज ओके जो मैं ज़्यादा खेलता तो हूँ नहीं पर लोग बोलते बहुत इजी है तो सेज से, सेज एक फीलर है ओके और आप अगर आपको देखना एबिलिटीज़ वगैरह क्या है तो कीबोर्ड पे कोई भले कोई भी एजेंट होने दो कीबोर्ड पे एफ वन दबाओगे तो आपको दिखाएगा कि कितनी एबिलिटीज़ है क्या अल्टीमेट है कितने की पड़ती है आपको एबिलिटीज कितना चार्ज करती है इसके क्यू से एक वॉल है मतलब मैंने इसका की बैंड क्यों किया है तो मेरे लिए तो वो क्यों ही है क्यों से इसकी एक वॉल है जो अगर आप साइट एंट्रा कर रहे हो तो आपके टीम में इसको एक ऐसा चाहिए कि अगर वो लोग वॉल के इस तरफ है और तुम लोग इधर से एंट्री कर रहे हो तो ये वॉल एनिमीज को आने से रोकेगी फायर वगैरह नहीं कर पाएगी पर हाथ जेट रेज आ, जो भी मतलब डे है हाँ डोई है वो आ सकता है एक्सेप्ट रेना फिनक्स ठीक है तो वो डूलिस्ट वगैरह आ सकता है तो भी ये एक वॉल रहती है कि हाँ ये एक वॉल रहती है कि ये बचा देगी इसके बाद हमारी दूसरी एबिलिटी है स्लो अप अगर आपको लग रहा है कि एनिमी सामने से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है आपको उसकी स्टेप सुनाई दे रही है तो आप ये स्लो अप डाल सकते हो और एनिमी को थोड़ा होल्ड कर सकते हो तो इसके ऊपर जैसे कोई भी चलता है ना वो इतना फास्ट नहीं चल पाता देखो स्लो हो जाता हूँ फिर यहाँ पे वापस फास्ट वापस स्लो आ, ये क्या बोलते हैं फोल्ड करने के लिए अच्छा रहेगा कि अगर एनिमी उधर से आ रहा है तो आप ये डाल सकते हो उधर से जो भी आएगा वो बहुत स्लो हो जाएगा और उसके ऊपर चलेंगे तो आवाज़ भी आएगी ठीक है और एक और हील तो सेज एक हीलर है अगर आपके टीममेट को कहीं पे मतलब डैमेज पड़ा है कैसे भी ही तो आप उसको हील कर सकते हो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ uh. देखो सेज को हील पड़ा फिफ्टी का ठीक है तो आप ये हील से खाली मतलब आपके टीममेट्स को हील नहीं कर सकते खुद को भी हील कर सकते हो वो राइट क्लिक से राइट क्लिक जैसे करोगे खुद को हील होगा और लेफ्ट क्लिक ये दबा के जो भी एजेंट को देखोगे तब तो उसको ही लो तो आप चलेंगे जेट की तरफ और देखेंगे उसकी क्या एबिलिटीज़ है जेट में द पावर ऑफ विंड है ठीक है जेट एक डोलेस्ट है अब। इसके एबिलिटीज में आपको तो पहले जेट का है स्मोक ठीक है तो अगर आ, कोई भी सामने से ऐसे आ, आ रहा है तो होल्ड कर सकता है दो मिनट का या अगर कोई मार रहा है तो ये डाल के पीछा आ सकते हो भले थोड़ा डैमेज पड़ेगा पर उसके आपके एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं पड़ी तो ये ब्लॉकिंग स्मोक टाइप हो सकता है और ऐसे Locking नहीं साथ. कि आप खाली इसको सीधा डाल सकते हो क्यू दबाओ और माउस मूव कर सकते हो क्यू होल्ड करने का ठीक है तो जैसे आप क्यू होल्ड करके माउस मूव करोगे वैसे ये स्मोक भी मूव होगा तो ये हो गया स्मोक और नेक्स्ट है एम फाइव एम बी फाइव बटन फाइव तो ये अब ड्राफ्ट तो मैंने जैसे सेज पे दिखाया कि अगर कोई भी सेज की वॉल डाल सकता है कोई ऊपर नहीं आ सकता तो जेट वन ऑफ द कैरेक्टर्स है जो ऊपर आ सकता है कि वॉल के ऊपर आ सकता है यहाँ से और अगर सेज ने ऐसे कहीं पे वॉल किया जैसे मैंने इधर वॉल किया था तो मैं इसके ऊपर जाके और अगर इधर भी कोई प्लेटफॉर्म होता तो उसके ऊपर जाके वॉल के ऊपर जा सकता हूँ ठीक है तो आराम से जा सकते हैं क्योंकि उसके पास अब ड्राफ्ट है अब अपड्राफ्ट मन अब ड्राफ्ट मतलब ऊपर जाती है उड़ती है ठीक है ऐसे और जेट में एक चीज़ है ठीक है अगर आप उड़ रहे हो ठीक है आप ड्राफ्ट के है? तो स्पेस दबाओ वरना आपको डैमेज पड़ेगा तो ये ऊपर आया ठीक है मैंने स्पेस नहीं बताया ठीक है फॉल्डा में जाए तो स्पेस होल्ड करने से जेट लाइट करती है ओके और एक और है एम बी फोर तो बटन फोर इससे डैश होता है या अगर आपको रश करना है बहुत जल्दी रश करना है तो काम। और जेट का अल्टीमेट है क्या बोलते हैं नाइफ से फेंकना तो वो इधर आपको दिखाता हो Right क्या right में नाइफ ये तो अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो एक एक नाइफ जाएगी है, ठीक है और अगर आप राइट right क्लिक करोगे तो सारी नाइफ फट जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा ब्रिम तो ब्रिम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और जो मतलब थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज है इसके पास तो इसका एक Stim है इससे क्या होता है अपने टीम मैच अगर जो भी जा रहे हैं ना इसके तो उनको डबल पावर मिलती है और वो थोड़ा फास्ट जा सकते हैं ठीक है रुको दिखाता हो अभी ये गया अभी ये मेरी स्पीड हाँ नॉर्मल स्पीड इधर और उधर तो थोड़ा स्लाइट फास्ट मोमेंट होता है ज़्यादा फास्ट मोमेंट नहीं होता है पर इससे आपके टीममेट्स को और आपको डबल पावर मिलती है वो एक है उसके बाद है हमारा मॉलिंग ये तो मतलब ब्लॉकिंग के काम आएगा या आपको एनीमे पे आपको लग रहा है कि एनीमे उधर चाह सकता है तो उधर डाल सकता है तो इसके ऊपर जाएगा तो डैमेज पड़ेगा खाली एनीमे नहीं हम भी अगर इसके ऊपर जाएंगे देखो डैमेज पड़ रहा है तो वो ध्यान रखना टीम मैच वगैरह सबको डैमेज ये तो ये नॉर्मल मॉल ही है नेक्स्ट एबिलिटी है स्मोक तो आपको एम फोर दबाना है और आपको लेफ्ट क्लिक करना है कि आपको किधर चाहिए स्मोक अभी मेरे को इधर चाहिए स्मोक इधर चाहिए स्मोक इधर चाहिए ठीक है ये होने के बाद आप सोचोगे स्मोक तो डाला पर अभी उसको डिप्लॉय कैसे करें उसको वो जगह पे स्मोक कैसे करें तो कुछ नहीं करना है जैसे आपने लेफ्ट क्लिक किया वैसे आपको राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद स्मोक जहाँ पे जहाँ पे आपने मार्क किया था वहाँ पे वहाँ पे आ जाएंगे और ये एक बार में तीन ही कर सकते हो आप तो या तो आप एक आ, स्टार्टिंग में दो कर लो या स्टार्टिंग में एक कर लो एंट्री के लिए और फिर बाकी के दो आप सिचुएशन के हिसाब से यूज करो। नेक्स्ट है इसका अर्ट मैं आपको दिखाता हूँ अभी दबाया सेम स्मोक जैसा ही है और इसका ये जो रेडार है जो माउस का कसर है जो मैं घुमा रहा हूँ वो थोड़ा ज्यादा एरिया मतलब डायमीटर उसका बड़ा है बड़ा सर्कल है ठीक है तो इससे क्या होगा इससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इधर मैंने डाला इसमें बस लेफ्ट क्लिक करना है इसमें राइट क्लिक वगैरह रा कुछ नहीं करना है इसमें आप जैसे ये करोगे इतने सारे एनिमीज हैं उस पर बस लेफ्ट क्लिक करना है तो बहुत मतलब आप पोस्ट प्लान खेल सकते हो इसके साथ आप, आप ये हो गया ब्रिम नेक्स्ट है फीनिक्स फीनिक्स एक डी है, है और इसके पास है पावर ऑफ फायर गोस्ट और इसमें काफ़ी चीज़ें वियर्ड या अच्छी है मतलब वियर्ड तो मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि थोड़ी चीज़ें खाली इसके लिए अप्लाई होती है और बाकी एजेंस के लिए नहीं ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ तो अभी सपोज आ, यहाँ पे बंदे हैं कैसे तो देखो हाँ यहाँ पे बंदे हैं वहाँ पे इतने सारे लोग हैं और आपको पीक लेना है आपको पता है कि वहाँ पे आप पीक लोगे तो मरोगे तब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो इसकी एक एबिलिटी है फ्लैश ठीक है और यहाँ पे एरोज में भी दो एक आ, राइट टर्न राइट क्लिक वाला दिखा रहा है एक लेफ्ट क्लिक वाला दिखा रहा है तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो उधर होता है सब फ्लैश होता है ठीक है और अगर मैं सेम चीज़ राइट में करूँ तो मैं भी फ्लैश होता वो तो होंगे मैं भी रहूँगा तो ये आप आ, देख के करना पड़ता है बहुत बार टीम टीम फ्लैशेस भी होते हैं मतलब बहुत बार टीम आ, टीम मैच को ही फ्लैश हो होने के बहुत चांसेस है तो ये तो हो गया ये फ्लैशेस अभी आपको एक और चीज़ हाँ अभी आपको डैमेज पड़ा ठीक है और आपको ये है कि आपके टीम में सेज है पर वो बहुत एटीट्यूड वाली या उसको नहीं देना ही लिया उसके बाद हील खत्म हो गया तो आप क्या कर सकते हो फिनिक्स की आ, है एबिलिटी आ, क्या बोलते हैं नेट टाइप या तो इसमें क्या रहता है इसमें आप फेंकोगे तो एनिमी को तो डैमेज पड़ेगा और अगर आप इसके ऊपर रहोगे तो आपको हील मिलेगा तो अभी फिनिक्स की वॉल आती है फिनिक्स की वॉल और जेट के स्मोक्स ऑलमोस्ट सेम है मतलब आप उसको कहीं पे भी टर्न कर सकते हो स्ट्रेट भी डाल सकते हो ठीक है और ये वॉल यूज़ कब करनी है ब्लॉक करने के लिए आपको लगता है कि वो उधर से आ सकता है तब और आपको हील करना है तो वो भी पॉसिबल है ये वॉल्च आप कुछ भी कर सकते हो तो ये वॉल है इसको सीधे डालें उधर तक है ये वॉल है इसको क्रॉस कर सकते हो ये वॉल को आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो और ये से एनिमीज को डैमेज भी पड़ता है बहुत कम कम डैमेज पड़ता है ये इसका अल्ट राइट फिनक्स का अल्ट बहुत अच्छा भी है बहुत यूजफुल आपको देखा अल्ट क्या है ये इसका स्पेस अब मैं अल्ट में जाके मार सकता हूँ बंदों को और अगर जैसे ही उन्होंने मेरे को मारा ठीक है तो ये वापस ख़त्म हो जाएगा अल्ट और मैं जहाँ पे मैंने अल्ट hey. छोड़ा था वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे अगर आपका कोई टीम आपको कवर नहीं दे रहा है और आपको लगता है कि वहाँ से कोई आ सकता है on, और आपको नाइफ़ कर सकता है सपोज़ अभी मैंने ये पे किया हाँ तो अगर आपका कोई टीम नहीं दिख रहा और आपका अल्ट खत्म हो गया तो आपको कोई भी ऐसे आके नाइफ कर देगा ठीक है अब चलते क्रॉसर सेटिंग्स पे कि क्या है क्रॉसर क्यों रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए ठीक है तो चलो आ गए हम क्रॉसर सेटिंग्स पे ठीक है ज़्यादा इतना कुछ हेडेक नहीं है कि किधर है क्या है एस्केप दबाओ इधर नॉर्मल में ही है मैच जनरल कंट्रोल्स क्रॉसर वीडियो तो क्रॉसर में जाओ अब ये क्रॉसर क्या है क्रॉसर क्यों चाहिए क्रॉसर कैसे रखना चाहिए ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉसर आपको मेरे स्क्रीन पर जो वाइट कलर का दिख रहा है ना बीच में तो वो, वो क्रॉसर है क्रॉसर क्यों रखना चाहिए क्रॉसर रखना चाहिए आपको मालूम पड़ता कि so तो है कि फायर किधर होगा आपका तो अभी मैं इधर फायर करूँगा तो उधर फायर हुआ इधर फायर करूँगा इधर फायर हुआ मालूम पड़ेगा किधर जाएगा अभी यानी मैं इसको हेड 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 एम करने में इजी रहता है बेसिकली एम करने में <laughs> क्रॉसर आपका एम को और इजी करता है और एक्यूरेट करता है, ठीक है इसलिए क्रॉसर होता है गेम में ये मतलब सी एस गो में भी रहता है वायलोरेंट में भी रहता है एफ पी एस गेम्स में और टी पी एस गेम्स में सब गेम्स में रहता है भले वो वायलोरेंट हो या सी एस गो हो फोर्टनाइट हो या जी टी ए हो जी टी ए में अगर हम कोई गन फाइट ले रहे तब और अभी क्रॉसर कैसा रखना चाहिए अभी वो भी आपके ऊपर है क्या, आपके लिए क्या वर्क करता है मेरे लिए मेरे पास इधर चार है ऑलरेडी क्रॉसर्स एक तो ये मेरा दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये और crosses टाइप के होते हैं तो मेन तो क्रॉसर डॉट और प्लस होता है और सेटिंग्स में ज़्यादातर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. तो इधर हम बनाएंगे एक नया क्रॉसर इसको रखेंगे आ, नाम कुछ भी रख सकते हो आप इसको रखूँगा मैं हाँ ठीक है नाम नाम रखते हैं अभी आप सोच रहे खाली इतनी सेटिंग्स हैं बाकी की सेटिंग्स आएगी आपका यूज एडवांस ऑप्शन ऑन करना है और प्राइमरी में जाना है क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा क्रॉसेस सेटिंग्स हैं मतलब फर्स्ट में कलर कलर आपको क्या चाहिए वाइट येलो ग्रीन ग्रीन येलो पिंक रेड और चाहे तो कस्टम कलर्स भी रख सकते हो मेरे लिए तो मैं तो वाइट पे रखता हूँ और उसके बाद आउटलाइंस जो आप देख रहे हो ना जैसे आउटलाइंस डाली तो ये जब ब्लैक कलर के वो ऑन हुआ है और जैसे ऑफ़ की वो चली गए तो वो वापस आपके ऊपर आपको कैसे रखना है और आउटलाइंस में ये सेटिंग है कि आपको कितना आउटलाइन आना चाहिए आउटलाइन थिकनेस कितना रखना चाहिए कैसे तो उसके बाद आता है सेंटर डॉट जो डॉट डॉट क्रॉस में उसमें बहुत काम आता है सेंटर डॉट वो डॉट जो बीच में है ना एग्जैक्ट ये सेंटर डॉट अभी इसमें भी सेटिंग्स है कि सेंटर डॉट का पासिटी कितना रखना चाहिए थिकनेस कितना रखना चाहिए कोई लोग तो खाली सेंटर डॉट भी रखते हैं और वो डॉट क्रॉसर होता है उनका आउटराइड फायरिंग डॉट ये पता नहीं पर ये मोस्टली uh, तो ऑफ़ ही रखता हूँ मैं क्योंकि मतलब मूवमेंट के टाइम रहता है फायर के टाइम एकदम ऐसा रहता है और आप जैसे मूवमेंट करते हो साइड में ये जो डॉच आ रहे वो है जो मेरे को तो बहुत आनंद लगता है क्योंकि अब ये डिफ़ॉल्ट क्रॉसर इसलिए ऐसा है तो ये ऑफ करोगे तो ऐसा कुछ एरर नहीं आएगा मतलब सेंटर डॉच का साइड का डॉच का तो नहीं है वो मैं आएगा क्योंकि उसका अलग सेटिंग है वो भी दिखा रहा दो पर एटलीस्ट आपका इससे बेटर तो ये है ठीक है उसके बाद ओवरऑल ऑल प्राइमरी क्रॉस भी प्राइमरी क्रॉसर ये भी ऑफ करता हूँ मैं पता नहीं किया मेन क्रॉसर की सेटिंग इधर इनर लाइन आप एडिट uh, कर सकते हो मतलब इनर लाइन कितनी चाहिए आपको ठीक है और आपको चाहिए आप इसमें क्रॉसर बना सकते हो इनर लाइन्स का क्रॉसर बना सकते हो और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ऑफ कर सकते हो फिर तो उसके बाद आउटर लाइन्स मेरा क्रॉस इसमें है क्या आउटर लाइन फुल चाहिए और मैंने ये दोनों ऑफ़ किया आउटलाइन चाहिए तो आउटर लाइन बेटर लगता है हमको कि खाली आउट लाइन दिख रही है वगैरह तो काफ़ी बेटर रहता है मेरे हिसाब से और जो आ रहा था ना साइड में डॉच वगैरह वो यही है देखो आपके मूवमेंट के टाइम जो हो रहा है, रहा है, रहा है। वो आउटलाइन से है अभी आपका अगर ये बंद करना है तो कैसे करना यही क्रॉस के सेक्शन में एकदम नीचे नीचेगा मोमेंट आर रहेगा वो ऑफ कर दो फायरिंग एरर मल्टीप्लायर वो ऑफ कर दो तो अब ये ऐसे रहेगा ये एकदम मतलब प्लस भी काम में काम आ जाता है और ऐसे ही आप दूसरी सेटिंग्स भी देख सकते हो और अगर आपको स्नाइपर का एक क्रॉसर चेंज करना है हाँ मैं क्या बताता हूँ अगर आपको स्नाइपर का क्रॉसर चेंज करना है तो प्राइमरी के बाद एम डाउन साइड स्नाइपर स्कोप तो वो आप चेंज कर सकते हो वाइट में रख सकते हो और आपको अगर चाहिए नहीं तो वो बंद कर सकते हो आपको अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो वही आप ऐसे रख सकते हो तो वो वापस आपके ऊपर है ठीक है और तो जब स्नाइपर यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल और मेरी स्ट्रीम्स देख सकते हो भले बहुत कुछ मतलब ज़्यादा फॉर्म फैक्टर लर्निंग फॉर्म फैक्टर तो इतना नहीं रहता है पर एंटरटेनमेंट फुल टू रहता है तो हाँ तब तक के लिए बाय बाय सी इन द नेक्स्ट वीडियो